हाय क्लास, स्वागत है सभी लोगों का। आज के इस सेशन में धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। किसके ऊपर? जो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को हमने अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से समझा था कि क्या होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और कौन कौन से रूट होते हैं। और उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट थी वो भी देखी थी। क्या थी? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इन्हीं सबको यूज करके आज के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपके स्पेशली एनडीए के एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं, एयरफोर्स के एग्जाम में काम आने वाले हैं और नेवी के एग्जाम में काम आने वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे साथ क्या है, 3 ओमेगा + 3 ओमेगा² की होल पावर 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं और इसके सभी क्वेश्चन जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, सिर्फ इन दो प्रॉपर्टीज से आप सॉल्व कर लोगे। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है और देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो देखिए, हम क्या जानते हैं कि 1 ओमेगा + ओमेगा² = 0 होता है। इसी को एक बार लेके चलते हैं, बराबर 0। अब इसको देखिए 3 से मल्टीपल कर लीजिए क्योंकि यहाँ 3 है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा + 3 ओमेगा² की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। इसको 6 से करोगे, 6 ओमेगा + 6 ओमेगा, 6 ओमेगा² ठीक है, तो वैल्यू 0 आएगी। अभी ये क्वेश्चन लीजिए आप, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए आप। कैसे लिखेंगे, 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा² लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सिर्फ ओमेगा है, तो -2 ओमेगा करके इसको हम लिख सकते हैं ना भाई, इसको लिख सकते हैं ना, से ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम है दोनों, -2 ओमेगा कर दीजिए, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी से करना है और प्रॉपर्टी में बनाने के लिए ये हमें चाहिएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी भाई, क्यों हो जाएगी, प्रॉपर्टी हमें पता है इसलिए हो जाएगी। तो 0 - 2 ओमेगा की होल वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अभी देखिए 2 की पावर, उसको हम ओपन करेंगे तो -2 की पावर 4 आएगा और ओमेगा की पावर 4 आएगा, ये आ जाएगा। अभी देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 की -2 की पावर 4, इसको कैसे करेंगे, +16 आएगा, ठीक है, (ωO)4, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, 3 के मल्टीपल वाले, तो इसको हम देखिए ऐसे तोड़ लेंगे, ओमेगा 3 (ωO), इसकी वैल्यू हो गई 1, हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 16 ओमेगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से है ना, प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, एक और क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा² की होल पावर 6 + 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा² की होल पावर 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अभी ध्यान में, दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, कोई भी अगर आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन देखते हैं ना, दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या ये दोनों प्रॉपर्टी आपके माइंड में इमेजिन हो जानी चाहिए उस टाइम पे। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा² की होल पावर 6 + क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा² की होल पावर 3, ये चीजें दे रखी है हमें आराम से। अब देखिए इसको भी हम प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, कैसे, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा² + 2 ओमेगा², ठीक है, इसकी पावर 6, इसको टुकड़ों में करके ये भी तो लिख सकते हैं ना हम, ठीक है, इतना हो गया। प्लस में इसको भी देखिए 2 ओमेगा 2 ओमेगा² तो 2 ओमेगा में लिख लीजिए, ताकि ये वैल्यू मिल जाए और इसकी वैल्यू 0 करके हम आंसर निकाल सके। तो 2 + 2 ओमेगा + 2 ओमेगा² और प्लस का 4 ओमेगा की होल पावर 3, 2 ओमेगा 4 ओमेगा 6 ओमेगा, इसको हम टुकड़ों में लिख लिया, तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को देखना है कि सेम कोफिशिएंट वालों को एक साथ कर लीजिए, 1 + 1 + ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान रखना है सिर्फ। अभी देखिए इसकी वैल्यू तो भाई 0 हो गई, यहाँ इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ तो बचा 2 ओमेगा² की होल पावर 6, प्लस में क्या बचा, 4 ओमेगा की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 की पावर 6 होगा, 2 की पावर 6 सॉल्व करते हैं तो 64 आएगा, ठीक है, (ωO)2 (ωO)6 यानी कि ωO12 यहाँ पर आ गया, प्लस 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 × 16 = 64 और (ωO³). अब देखिए इसको सिंपलीफाई करना है, मैंने क्या कहा था, ωO³ की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, 3 के जितने भी मल्टीपल आएंगे ना सबकी वैल्यू 1 आएगी, 12 भी 3 का मल्टीपल है, 3 भी 3 का है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 64 + 64 = 128 इज द आंसर। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को
क्यूब रूट सुडोटी किस कोई भी क्वेश्चन आते हैं आप बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ताकि सभी इस अच्छे क्वेश्चन को देख सके और समझ सके और नई चीजें सीख सकें। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी ये क्लास है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, लेकिन आप अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो उस ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू की होल पावर 29, माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू की होल पावर 29। तो देखिए कि और कुछ नहीं है, सिर्फ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज तो है हमारे पास, यही तो दो वैल्यू आई थी x की और एक आई थी। तो अगर इसको आप ओमेगा मानते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर है तो वो ओमेगा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के स्क्वायर है। अब देखिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, ओमेगा की पावर 29 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 29, ठीक है। ये देखिए कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 29 प्लस ओमेगा की पावर 58, ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब देखिए फिर से वही तीन के मल्टीपल निकाल लीजिए, ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा की 27 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है इसलिए टुकड़ों में तोड़ना जरूरी है। ये ओमेगा की पावर 57 इंटू ओमेगा, इतना आया समझ में आपको। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 एकम 3 3 नाम 27, ठीक है। इधर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर, और इधर बचेगा ओमेगा। अब देखिए इसको देख के भी कुछ ना कुछ तो याद आ ही रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, सभी क्वेश्चंस सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी से आप सोल्व कर सकते हो, इससे बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ देखिए कुछ दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, इसकी वैल्यू माइनस वन होती है, यही आपका आंसर है। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको यही बताने वाला हूँ, कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, जो डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़े से अलग हैं, उसी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ताकि सभी अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख सकें।